आज देश में बड़े ही धूमधाम से ईद का त्योहार मनाया जा रहा है। लोग एक दूसरे के गले मिलकर ईद की शुभकामनाएं दे रहे हैं, लेकिन देश के कई हिस्सों में अमन के दिन भी हिंसा की खबरें सामने आ रही हैं। वैसे तो ईद शांति और खुशहाली का त्योहार है, लेकिन जोधपुर के इस शांति में खलल आ चुका है। ईद के ठीक एक दिन पहले जोधपुर में ईद के लिए लाउडस्पीकर और झंडे लगाने को लेकर जमकर बवाल हो गया। दरअसल जालौरी गेट पर स्वतंत्रता सेनानी बाल मुकुंद बिस्सा की मूर्ति पर झंडा लगाया जाना था, लेकिन यह देखकर कुछ लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। झंडा और बैनर लगाए जाने के खिलाफ बड़ी संख्या में लोग चौराहे पर इकट्ठा हो गए। फिर क्या था, जमकर नारेबाजी शुरू हो गई। चंद मिनटों में भीड़ ने झंडा बैनर हटा दिए। इसी बात पर जबरदस्त बवाल बढ़ा, दोनों पक्षों के लोग आमने सामने आ गए, टकराव बढ़ गया। पुलिस चौके पर मौजूद जरूर थी, लेकिन हालात बिगड़ते गए। चौराहे पर झंडा लगाए जाने के विरोध में नाराज लोगों ने कई गाड़ियों में तोड़फोड़ कर दी, जमकर पथराव होने लगा। भीड़ ने चौराहे पर लगे लाउडस्पीकर भी उतार दिए। जब हालात हाथ से निकलने लगे तो पुलिस को बल प्रयोग करना पड़ा। रात को किसी तरह बात संभल गई, लेकिन फिर सुबह हालात बिगड़ गए। यहां स्वतंत्रता सेनानी बाल मुकुंद बिस्सा की मूर्ति के पास लगे झंडे पर एक समाज के लोगों की नजरें सुबह तक पड़ती हैं, जब वे नमाज के लिए जुटते हैं। घटना से गुस्साए समाज के लोगों ने फिर से पथराव और आगजनी शुरू कर दी। फिर चौराहे पर कई गाड़ियों के कांच फोड़ दिए गए। फिर पथराव हुआ। हालात को काबू में लाने के लिए पुलिस ने भी उपद्रवियों पर हल्का बल प्रयोग किया। पुलिस ने जालौरी गेट से ईदगाह रोड पर आंसू गैस के गोले दागे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस घटना को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की। गहलोत ने मंगलवार की सुबह ट्वीट किया, जोधपुर के जालौरी गेट के निकट दो गुटों में झड़प से तनाव पैदा होना दुर्भाग्यपूर्ण है। प्रशासन को हर कीमत पर शांति एवं व्यवस्था बनाए रखने की निर्देश दिए गए हैं। पुलिस मूक दर्शक बनी रही। वो जानती थी कि यदि हम आतंकवादियों को रोकेंगे तो मुख्यमंत्री जी आतंकवादियों को रोकने का हमको सस्पेंड कर देंगे, इनको पकड़ेंगे गिरफ्तार करेंगे तो हमको सस्पेंड कर देंगे। क्योंकि वो जानते हैं, क्योंकि जिस प्रकार से करौली में हिंसा की थी, जो आतंकवादी थे जिन्होंने दंगा भड़काया था, उनको उन्होंने गिरफ्तार नहीं किया अभी तक, बल्कि वहाँ जो ऐसे लोग थे निरपराध लोग, उनको जेलों में डाला है। वो जानते हैं कि राजगढ़ में मंदिर तोड़ने वाले गुंडों को, असामाजिक तत्वों को, उनको गिरफ्तार नहीं किया, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की, जिन्होंने सैकड़ों मकान और दुकानें तोड़ दी, बल्कि वहाँ के हिंदुओं को ही दोषी ठहराने का षड्यंत्र चल रहा है। इसीलिए नमाजियों ने प्रोत्साहित होकर के कि हम किसी पर हमला करेंगे, हिंदुओं को मारेंगे, तो मुख्यमंत्री जी हमारे साथ है, क्योंकि पहले वाले मामलों में हमारे साथ खड़े हैं, इसलिए उन्होंने प्रोत्साहित होकर के ये योजनाबद्ध तरीके से षड्यंत्र करके साजिश की है, ताकि हिंदुओं को मारा जाए, पीटा जाए, नुकसान पहुंचाया जा सके। एक षड्यंत्र है, सोचा समझा षड्यंत्र है मुख्यमंत्री जी का। वहीं आज हुई हिंसा के बाद पुलिस प्रशासन भी अलर्ट मोड पर है। सभी जगह नाकाबंदी कर दी गई है। पुलिस कमिश्नर से लेकर कलेक्ट्रेट तक सभी लोग शांति बनाए रखने की अपील कर रहे हैं। नहीं, मैं शहरवासी से ये अपील करूंगा, ये जोधपुर जो है काफ़ी शांति का शहर है, और ये शहर का जो शांति है, जो व्यवस्थाएं बनाए हुए हैं, उसको आप बनाए रखें, हमें सहयोग करें। और मैं सभी को यही कहूंगा, आप अपने घर पे जाइए और अपने शांति से रहे। और मैं सभी को, जो भी हमारा मुसलमान भाई बंधु है, उनको मैंने ईद का मुबारकबाद। देखिए, आज जो हुआ है ईद के बाद में, तो मैं आपके माध्यम से जोधपुर की सभी जनता को निवेदन करना चाहूँगा कि शांतिपूर्वक सौहार्द जो जोधपुर की पहचान रही है उसको बनाए रखें, और प्रशासन और पुलिस प्रशासन शांति बनाने में अपनी पूरी ताकत लगा रहा है, आप भी हमारा सहयोग करें। दूसरी ओर शहर में शांतिपूर्ण माहौल बनाने के लिए और हालात की गंभीरता को देखते हुए जिले के साथ पूरे शहर में इंटरनेट सेवा को बंद कर दिया गया है। पुलिस के मुताबिक कानून व्यवस्था को देखते हुए जिले में 3 मई को रात 1 बजे से इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई हैं। फिलहाल हालात काबू में है। राजस्थान के जोधपुर के अंदर कल देर रात दो पक्षों के अंदर झंडा लगाने को लेकर जमकर बवाल हुआ। ये कोई पहली घटना नहीं है, इससे पहले राजस्थान के बारा, करौली
और राजगढ़ में भी सांप्रदायिक तनाव के मामले सामने आए हैं। ऐसे में राजस्थान की कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े हो रहे हैं और आरोप प्रत्यारोप की राजनीति के बीच में, पक्ष और विपक्ष की राजनीति के बीच में कब शांति होगी, ये देखने वाली बात होगी।